लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस आज जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान कहा था कि लॉकडाउन 4 नए रंगरूप वाला होगा। ये पिछले 3 लॉकडाउन से अलग होगा। गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने में मंत्रालय के अधिकारी जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4 में कई सेक्टर्स में काफी रियायत दी जा सकती है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई को एहतियात के तौर पर पहले के जैसे ही रखा जाएगा। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस के ऐलान से पहले गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कई घंटे बैठक की। राज्यों की तरफ से गाइडलाइंस पर सुझाव देने का कल आखिरी दिन था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ख्याल रखना होगा। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। इससे लोगों को संक्रमण से बचाव में आसानी होगी और साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के जरिए लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बेहतर व्यवस्था की जा सकेगी। मेट्रो में QR कोड लागू करने और एंट्री गेट पर आरोग्य सेतु ऐप जांचने की प्लानिंग बन रही है। इन क्षेत्रों में मिल सकती है रियायत। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को ग्रीन जोन में बस टैक्सी चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य में ट्रांसपोर्ट और उद्योग चलाने की भी इजाजत दी जा सकती है। हालांकि फैक्ट्रियों के लिए राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना से एहतियात के लिए यहाँ सारे इंतजाम किए गए हैं या नहीं। इसके अलावा हार्डवेयर की दुकानें और बाइक रिपेयरिंग की दुकानों को भी खोले जाने के आसार हैं। बताते हैं आपको क्या क्या नया हो सकता है लॉकडाउन 4 में। नागरिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा का ख्याल खुद ही रखना होगा। लॉकडाउन 4 में अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। केंद्र की तरफ से राज्यों को छूट दी जा सकती है। ग्रीन जोन में यातायात और उद्योगों को अनुमति मिल सकती है। साथ ही ग्रीन जोन में बस और टैक्सी चलाने को मंजूरी मिल सकती है। यात्री ट्रेन को फिलहाल नहीं चलाया जाएगा, लेकिन स्पेशल ट्रेन और श्रमिक ट्रेन पहले की तरह ही चलेंगी और संख्या और रूट में इजाफा किया जाएगा। 18 मई से चुनिंदा रूट पर घरेलू उड़ान सेवाओं पर भी विचार किया जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।